इंदौर के बीजेपी कार्यालय में भी पार्टी का 42वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। बीजेपी कार्यालय से लेकर छावनी अनाज मंडी तक बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पार्टी का झंडा लेकर पैदल मार्च निकाला। इसमें कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बूथ स्तर के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। भाजपा के स्थापना दिवस के मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय का सपना था कि पार्टी हमेशा गरीबों की सेवा करे और उनके उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए 3 लाख करोड़ रुपए खर्च करके गरीबों को अनाज से लेकर रसोई और आजीविका का ध्यान रखा जा रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी, शुभकामना दी और अपेक्षा की कि जन सेवा का संकल्प लें। नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आने वाला पखवाड़ा अपने अंत्योदय के दौरान इसे अपेक्षा की थी कि एक अंतिम व्यक्ति की हम सेवा करें, गरीब की गरीबी दूर करें। सरकार और संगठन दोनों मिलकर इस संकल्प को पूरा कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री, देश की सरकार 3.5 लाख करोड़ रुपया खर्च करके गरीबों को इस विपरीत परिस्थिति में अनाज प्रदान कर रही है। मतलब देश के प्रधानमंत्री गरीब के किचन का, उनके रसोई का भी ध्यान रख रहे हैं। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा संकल्प है ये प्रधानमंत्री जी का। आज भारतीय जनता पार्टी का 42वां स्थापना दिवस है और हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए ये बहुत हर्ष और उत्साह का प्रसंग है कि आज सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने जो उद्बोधन दिया है और प्रत्येक कार्यकर्ता को उन्होंने ये शुभकामनाएं भी प्रेषित की और साथ ही साथ एक जवाबदारी का बोध भी कराया है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी आज पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक भारतीय जनता पार्टी के हैं और कार्यकर्ताओं का जो अथक परिश्रम और लोगों का जो विश्वास भाजपा पे है उसको कैसे हम और मजबूत कर सकें, कैसे प्रत्येक पोलिंग बूथ पे, प्रत्येक मंडल में, प्रत्येक जिले में भारतीय जनता पार्टी के विचार को, राष्ट्रवादी विचार को और कैसे नीचे तक ले जा सकें, इसकी प्रेरणा आज मैंने